अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमस किचन। आज मैं बना रही हूँ टूटी फ्रूटी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। चले देखते हैं किन्नजा की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास दो पैकेट हैं, मैंने क्रीम के दो पैकेट लिए हैं। जो 200 ml के होते हैं वो मैंने दो ले लिए हैं। ये 200 ग्राम मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है। ये मेरी फ्रोज़न है, ये फ्रीज की हुई थी। ये 200 ग्राम है। ये एक कप कंडेंस मिल्क है, मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास 1 teaspoon वनीला एसेंस है। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी का एसेंस है तो आप वो डाल लें। ये मेरे पास 1 tablespoon ये काला मेवा है, जिसको हम जरिक्ष भी कहते हैं। ये आपको हर्बल स्टोर से ये आसानी से मिल जाएगा। और ये मेरे पास है टूटी फ्रूटी, ये तकरीबन 2 tablespoon मैंने भर के लिए हैं। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करूँगी, ये स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बना लेंगे हम, या इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, क्रीम को हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अब मैंने नीचे बर्फ़ रखी है, ये देखें। बर्फ़ के ऊपर ये मैं बोल रखूँगी ताकि ये हमारा बोल भी अच्छा सा ठंडा रहे। गर्मी का मौसम है, अगर आप नीचे बर्फ़ नहीं रखेंगे तो ये जो क्रीम है ये फट सकती है। 2 से 3 मिनट के लिए लो स्पीड पे इसको बीट करूँगी। इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए लो स्पीड पे किया है। अब मैं इसको हाई स्पीड पे करूँगी 4 से 5 मिनट के लिए बीट। ये हमारी क्रीम अच्छी तरह बीट हो चुकी है। अब इसमें जाएगा कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क डाल के अब इसको मैं 2 मिनट के लिए और बीट कर लूंगी। अब इसमें वनीला एसेंस भी डाल दूंगी और थोड़ा सा इसको फिर बीट कर लूंगी। क्रीम को अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया है। अब इसको हम साइड पे करेंगे। अब इसमें डाल दूंगी ये स्ट्रॉबेरी की प्यूरी। और साथ इसमें ये टूटी फ्रूटी चली जाएगी, ये जरिक्ष भी इसमें चला जाएगा। और अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह ये प्यूरी जो है क्रीम में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आप चाहें, अगर आपने टूटी फ्रूटी नहीं डालनी, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने इसमें डाल ली है क्योंकि मुझे इसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आप सादी बनाना चाहते हैं तो आप ये टूटी फ्रूटी मत डालें। ये देखें, सारी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब ये हमारी आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, एयरटाइट बोल लूँगी और इसमें हम ये सारा मिक्सचर डाल देंगे। अब ये बोल में मैंने सारा मिक्सचर डाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह बंद कर लूँगी और 5 से 6 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि आइसक्रीम हमारी अच्छे से जम जाए। चलिए अब मिलते हैं 5 से 6 घंटे के बाद। आइसक्रीम हमारी जम चुकी है, इसको 6 से 7 घंटे हो गया है मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे आइसक्रीम को। ये मैं 2 स्कूप जो है, आप इसको आइसक्रीम को निकालने से पहले गर्म पानी में रख दें ताकि ये आसानी से इसके स्कूप निकल सकें। इसी तरह स्कूप निकाल के हम इसमें डालेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। ये दोनों कप्स में मैंने डाल लिया। अब इसको मैं स्ट्रॉबेरी वेफर से गार्निश करूंगी दोनों को।
आप अगर चाहें तो रखें, वरना आपकी मर्जी है, और थोड़ी सी कटी स्ट्रॉबेरी से। व्यूअर्स, ये हमारे स्ट्रॉबेरी टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है, जो बहुत ही यमी मज़े की बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।